यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ था? उत्तर लिखो। 1977 में, 1977 में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अयोध्या में हुआ था। यदा कदा प्रश्न अगला, यदा कदा अयोध्या तथा अन्य कविताएं डयोढ़ी पर आलाप, डयोढ़ी पर आलाप कौमा देके गिरिजा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा यतीन्द्र प्रसाद। प्रश्न अगला, नौबत खाने में इबादत किस पर फरमाया गया है? उत्तर होगा सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। लिखो, डुमराओं की महत्ता किस कारण से है? डुमराओं की महत्ता किस कारण से है? उत्तर लिखो, विश्व प्रसिद्ध सहनाई वादक बिस्मिल्ला खान
विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां का जन्म स्थल डुमराव में है। का जन्म स्थल डुमराव में है। तथा शहनाई में प्रयोग होने वाली रीड शहनाई में प्रयोग होने वाली रीड नरकट घास डुमराव के सोन नदी के किनार पर पाई जाती है। डुमराव के सोन नदी के किनार पर पाई जाती है पाई जाती है। इन्हीं कारणों से डुमराव की महत्ता है। इन्हीं कारणों से डुमराव की महत्ता है। इन्हीं कारणों से डुमराव की महत्ता है। प्रश्न अगला लिखो, सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं? सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं? काल रहू नू आते हुए बड़ा देखा सहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? उत्तर लिखो, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशीर वाद्य कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति के बारे में ऐसा माना जाता है। कि अरब देश में मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले जिसमें नाड़ी होती है, इसे ने बोलते हैं।
उत्पत्ति हुई है।